हाय, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के कोफ्ते। इसके लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है, 4 मीडियम साइज़ प्याज, 4 मीडियम साइज़ टमाटर और 4 हरी मिर्च। मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करते समय मैंने एक प्याज भी कद्दूकस किया है लौकी में, और ये प्याज मैंने अलग से नहीं लिया। जो हमने 4 प्याज लिए थे उसी में से एक प्याज मैंने कद्दूकस किया है। अब मैं इसे हाथों से दबा दबा के लौकी से पानी को अलग कर दूंगी। ये आप देखेंगे, मैंने लौकी में से पानी निकाल दिया है। ये हमारा पानी है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और इससे आप देखेंगे इसमें ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है, और हमें छोटे चम्मच से, नॉर्मल चम्मच से 4 चम्मच बेसन लेना है। ये हमने 4 चम्मच बेसन ले लिया। अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे। ये आप देखेंगे हमने मैदा ले लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते, इसमें सूखे मसाले नॉर्मली जो सब्जी में डलते हैं वो डलते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब धनिया डालेंगे। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हम गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच दही डालेंगे, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। नमक आप याद रखें कि आपको भी अभी ग्रेवी में भी डालना है, इसलिए इसमें थोड़ा कम ही नमक डालें। और इन सभी को, मसालों को, बेसन लौकी के साथ में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप जब मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें पानी की, अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम गोल गोल अपने कोफ्ते बनाएंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल डाल के रखा है गर्म होने के लिए। मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं उसमें ये अपने कोफ्ते डाल दूँगी। ये देखिए, ये हाथ में नहीं चिपक रहा। अब मैं, मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपने कोफ्ते डाल दूँगी। आप इसे जैसे चाहे वैसे साइज़ दे सकते हैं, लंबे, चपटे, गोल, जैसे कोफ्ते बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। ऐसे करके मैं सारे ही कोफ्ते अपने लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक पकाऊंगी। इससे मेरे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएंगे अंदर तक। और ये आप देखेंगे मेरे कोफ्ते तैयार हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है कढ़ाई में, उसमें एक चुटकी हींग डाली है, 1/2 चम्मच जीरा डाला है, और जीरा मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें अपने पिसे हुई प्याज जो मैंने मिक्सी में पीसा था उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन तक नहीं फ्राई करूँगी, मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये ऑयल बाहर ना आ जाए प्याज में से। और ये ऑयल छोड़ दिया है प्याज ने, तो अब मैं इसमें अपने सूखे मसाले डालूँगी। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कलर वाली लाल मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, और नमक अपने टेस्ट अनुसार। और आप याद रखें आपने कोफ्ते में भी नमक डाला है। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छे से प्याज के साथ में फ्राई कर लूँगी। इनको भी मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक मसालों में से ऑयल बाहर ना आ जाए। ये मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में ऑयल बाहर आ जाएगा इसमें से। ये देखिए साइड से ऑयल बाहर आने लगा है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी। ये मैंने इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें अपने पिसे हुए टमाटर जो मैंने मिक्सी में पीसा था उनको मिक्स करूँगी मसालों में, और इसे भी मैं अच्छे से पकाऊँगी। ये आप देखेंगे टमाटर मेरे मसालों में मिल चुका है।
अब मैं इसे 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट बाद मैं इसे हटा के देखूंगी तो मसाले अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए ऑयल बाहर आ चुका है ग्रेवी में से। और कलर बहुत ही प्यारा आया है इसका। अब मैं इसमें दही डालूंगी। ये मैंने इसमें 3 चम्मच दही डाली है। मैं इसको भी मसाले के साथ में अच्छे से फ्राई करूंगी। ये जब तक मिक्स नहीं हो जाता। ये आप देखेंगे ऑयल बाहर आ गया, दही मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। ये मैं कसूरी मेथी को भी मिक्स कर दूंगी ग्रेवी में। अब मैं इसमें जो लौकी का पानी रखा था हमने, उसे मिक्स कर दूंगी। और ग्रेवी आप अपने उस पर देखेंगे कि आपको कैसी रखनी है, आपको थोड़ी गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, जैसी भी आपको अपने तरीके अपने हिसाब से आप देख लें। मुझे थोड़ा सा इसमें पानी डाला है मैंने, जो लौकी का पानी था वो भी, और उसमें आधा कप पानी और डाला है। और ये देखेंगे मैंने ढक के पकाया है तो इसमें एक बॉयल आ गया। अब मैं इसमें अपनी जो कोफ्ते हैं, जो मैंने ब्राउन गोल्डन ब्राउन फ्राई करके पका के रखे थे, उनको मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इनको थोड़ी देर और पकाऊंगी। मैं जब तक पकाऊंगी जब तक मेरी ग्रेवी मुझे जैसी चाहिए वैसी ना हो। ये मैंने ढक के थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसे हटा के देखूंगी, मेरी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब से देखें आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। ये देखिए ये तैयार हो चुका है खाने के लिए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये मेरी लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। आप इसमें धनिया, आपके पास धनिया पत्ता हो, धनिया पत्ता डाल के आप इसे वो कर सकते हैं। मैंने प्याज से डेकोरेट किया है। और प्लीज़ टेस्ट करके बना के देखिएगा और टेस्ट करके कैसा लगता है, और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा।